फिलहाल बैठे ऑटो में, गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में, क्योंकि यहाँ पे लोकल में तो गाड़ी लेके घूमना डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई। यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। जी अभी हम पहुँचे हैं परिक्रमा मार्ग पे, और यहाँ से बांके बिहारी जी का मंदिर कम से कम 200 मीटर पे है। यह है राधा मोहन मंदिर, यहाँ पे भी जाएंगे हम। फिलहाल जा रहे हैं हम बांके बिहारी जी मंदिर, क्योंकि वो हो जाता है 12 बजे बंद। काफ़ी सारे मंदिर तो बंद ही हो जाते हैं 12 बजे, इसलिए ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोई दर्शन कर ले। तो जी अभी पहुँचे हम बांके बिहारी जी मंदिर के एंट्री में। एग्जिट में हमने जूते निकाल दिए थे, अभी एंट्री में पहुँचे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फटाफट लेते हैं एंट्री। सबसे पहले यहाँ से ले रहे हैं हम लोग एंट्री, और क्राउड देखिए कुछ ज़्यादा ही रश, यहाँ पे हमेशा ही रश लगा रहता है, फिलहाल तो बहुत कम है। सेकंड मंदिर राधा वल्लभ जी मंदिर। के बारे में कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराएंगे, कोशिश करेंगे। राधा कृष्ण युगल किशोर जी का मंदिर, यहाँ पे चलते हैं और दर्शन करते हैं। अभी हम तीन मंदिर के दर्शन करके पहुँचे हैं ब्रिजवासी। ब्रिजवासी यहाँ का फेमस फूड फ्रेंचाइजी है, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं फूड, बास्केट चाट और ऐसा कुछ। यहाँ से ऑर्डर किया हमने पाव भाजी, और क्या ऑर्डर किया? पाव भाजी, कोल्ड कॉफ़ी। तो जी अभी आया हमारा कोल्ड कॉफ़ी एंड बेल। तो जी ये है हमारा रूम, किंग साइज बेड। वृंदावन में ये चीज़ मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ है, और इसका व्यू दिखाता हूँ कैसा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेसमेंट है, वहाँ पे है पार्किंग, और व्यू में कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई गार्डन दिख रहा है, वही है बस, और तो बाकी सारे फ्लैट ही फ्लैट है। ये माला हमें बांके बिहारी जी के मंदिर में मिली थी, और बहुत खुशी हुई जब ये माला मिली, क्योंकि ये माला मिलना बहुत रेयर है वहाँ पर। इतनी भीड़ में हमें ये माला मिली, हमें अलग लेवल की खुशी थी आज, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। जी अभी हम हो गए हैं रेडी, और अभी हम जा रहे हैं दिल्लीवन की साइड, वहाँ पे दिल्लीवन एक्सप्लोर करेंगे, और जो आसपास के मंदिर हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। दो चार बातें जो हम लोग वृंदावन के बारे में अभी तक जाने हैं वो ये है कि यहाँ पे धर्मशाला एंड ऑल का कल्चर बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे होटल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे धर्मशाला मिल जाती है आपको 1000 रुपीज पर रूम के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया और पता किया कि यहाँ पे सिर्फ 5 होटल ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी लग्जूरियस फील देते हैं, जिसमें 2 काफ़ी महंगे हैं एंड 3 बजट में है। ये रूम पड़ा है हमें 3000 में, और अगर आपको वो 5 होटल जाननी है कि वृंदावन में कौन सी 5 होटल है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर दो। मेरा इंस्टा आई डी है vraj.rao, वहाँ पर मैं रील अपलोड कर दूंगा, और उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे स्टे कौन सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आओगे तो धर्मशाला धाम यही लिखा हुआ आपको मिलेगा, और वो धर्मशाला और धाम जैसा ही मिलेगा आपको, वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको होटल का कल्चर पसंद है तो वो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। हम लोग रुके ये वाली होटल इधियान पैलेस में, ये है मेन रोड पर ही, तो उससे कनेक्टिविटी ईजी जाती है, ऑटो वाटो सब मिल जाता है आराम से। यह है रुक्मणी विहार मथुरा वृंदावन, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग भी है। मल्टी लेवल पार्किंग के जस्ट सामने है ये उद्यान पैलेस, इधियान पैलेस एक्चुअली। फिर से पकड़ लिए हमने ऑटो, और यहाँ पे चेहरे की खुशी देखो। कहाँ घूम रहे हो आप? वृंदावन में। तो जी अभी हम रुके हैं चाय सुट्टा पे, चाय पीने के लिए, व्रज को चाय पीनी थी तो हम वहाँ रुके हैं। काफ़ी अच्छा डेकोर करा हुआ है उन्होंने। फाइनली पहुँचे हम लोग निधिवन। अभी हम पहुंचे हैं निधिवन, ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी अभी भी रात को आते हैं। निधिवन में बहुत सारी रूट तो अंदर आती है, ये जो ट्री है वो रात को अपनी जगह बदल के अपना शेप बदलते हैं, तो उसकी कुछ रूट्स अंदर की साइड आती हैं।
पूजे अभी हम आए हैं उस जगह पर जहाँ पर कृष्ण और राधा जी के लिए बेड सजाया जाता है रात को, और वो सुबह बेड सब बिखरा हुआ मिलता है, उनका श्रृंगार का सामान रखा जाता है वो भी सब बिखरा हुआ मिलता है। ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे राधा रानी एक बांसुरी बजाती है। हमें तीन चीजें देखने को मिलती है, एक है हरिदास जी की समाधि, दूसरा है बंसी चोरी राधा जी का मंदिर, एंड तीसरा है जो सेज सजा के रखते हैं राधा रानी के लिए, और वो सुबह बिखरी हुई मिलती है। तो ये तीन चीजें आप जरूर देखिए जब निधिवन में आए। निधिवन दर्शन करके पहुंचे हैं राधा रमन जी मंदिर, और ये प्राचीन मंदिरों में आता है। अभी हम लोग पहुंचे थे राधा रमन मंदिर, और वहां पे देखिए एक बंदर बैग लेके भाग गया है और वो पैसे निकाल के नीचे फेंक रहा है। ये लोग वापस छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो छोड़ेगा कि नहीं। दर्शन हो गए अच्छे से। राधा रमन मंदिर से निकल के हम लोग खड़े हैं असली तुलसी माला की शॉप में, और यहाँ पे 2 रुपए से लेके 2000 तक की अलग अलग तुलसी मालाएं हैं। जी अभी पहुँचे हम लोग रंगनाथ मंदिर, और ये भी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है, तो इसका भी दर्शन करते हैं फिर जाएंगे हम इस्कॉन मंदिर की तरफ। और ये रंगनाथ मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है, तो जय हो विष्णु भगवान की। तो एंट्री में ये जो कलश आप ऊपर देख रहे हो ये है सोने के, काफ़ी दूर है, मैंने जूम लगा के दिखाया है आपको। पहुंचे रंगनाथ मंदिर, और यहाँ पे है खंभा जिसके बीच में चंदन और लकड़ी भरी हुई है, और देखो तो आप यहाँ पे गोल्ड से बना हुआ है जिसमें 500 किलो गोल्ड है, ये पूरा खंभा गोल्ड का है। ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो साउथ इंडियन मंदिर जैसा है। उसका रीजन ये है कि साउथ इंडिया के एक राजा थे, उनको एक सपना आया कि उनका पुत्र नहीं होता था एक्चुअली, तो उनको एक सपना आया कि अगर तू यहाँ पे पूजा करेगा, बांके बिहारी जी की दर्शन करने जाएगा, तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तब उन्होंने ये मंदिर बनवाया, और इसको अभी हम रघुनाथ जी मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर आप कभी भी वृंदावन रक्षाबंधन के टाइम पे आते हैं तो इस कुंड में आकर के आप चंदन के हाथी एंड मगर की लड़ाई देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक साधनों द्वारा यहाँ पे पूरा शो किया जाता है 1 से 1.5 घंटे का। हम लोग पहुँचे अभी इस्कॉन टेंपल, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:45, और यहाँ पे भीड़ देखिए। मंदिर के ऊपर का हिस्सा जहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे हैं। बने हुए हैं 108 कदम, और लोग इस फ्लावर पे चल चल के आके 108 कदम करके परिक्रमा कर रहे हैं। लोग देखो यहाँ वृंदावन आके भक्ति में कैसे झूम रहे हैं।
रहा है। प्रसाद और मिठू भी गई है लाइन में प्रसाद लेने के लिए। तो जी ये है प्रेम मंदिर और अभी बज रहे हैं 8:24, 8:30 को ये बंद हो जाता है, 8:30-9 को। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं चौपाटी में प्रेम मंदिर के जस्ट सामने। देखो कितना क्राउड है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का फूड मिलता है इसलिए क्राउड ज़्यादा है। अभी हमने ऑर्डर किया है मंचूरियन और यहाँ पे है चाप, इसके साथ स्प्राइट, क्योंकि अभी कुछ ऐसा ही खाएंगे। यहाँ पे क्राउड देखिए कितना क्राउड है, मतलब हर खाना ऑर्डर करने के बाद 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ रहा है। 9:16 पर हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी होटल और बारिश हो गई है स्टार्ट। हमारे होटल में ही जस्ट एक शॉप है और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, जैसे भगवान की। आज का वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।